अब हम हरी मिर्ची का अचार बना रहे गोश्त का। ये 2 किलो गोश्त है, इसे मैं पूरा वॉश कर ली। इसमें थोड़ा सा हम अदरक लहसुन डाल देंगे, सिर्फ अदरक लहसुन डालना है और नमक, 1 चम्मच नमक, अदरक लहसुन, इसमें हल्दी नहीं डालेंगे। अब ये मसाला है, इसे भून ले। ये धनिया, लौंग, इलायची, ये तेज पत्ते और शाह जीरा, इसे सब भून लेने का है। एक से इसके बाद मैं पाउडर बनाऊंगा। अब इसे भून के इसका पाउडर बना लिया, इससे अचार अच्छा बनता। और मैं हरी मिर्ची का अचार बना रही हूँ। अभी मैं इसे पीस लूँगी, इसका पाउडर बना के इसे मिक्स कर लूँ। बहुत ही आसान है अचार बनाना। ये 10 नींबू है, ये जीरा पाउडर है और ये हरी मिर्ची। अब हम इसे पीस लेंगे। ये गोश्त मैं चूल्हे पे रख दी, इसका पानी सूखने देंगे, फिर इसके अंदर तेल डाल के, सब मसाला डाल के, हरी मिर्ची डाल के। बहुत आसान है अचार बनाना, इसे देखिए। तो मैं मसाला ये गोश्त का पानी सूख गया, अच्छा ये अच्छा सूख गया। अब इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे, सिर्फ इसमें अदरक लहसुन और नमक डालें। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसे अपन अच्छे से हिला लेंगे, पानी सूखने तक हिलाएंगे ताकि इसका पानी पूरा सूख जाए, ये गोश्त का पानी, इसके आंख का पानी। ये हरी मिर्ची का अचार है, अचार बने सूख मिर्ची का। अब ये हरी मिर्ची का अचार आपको ये रेसिपी दिखा रही। इसका पानी सूख गया, हमने अचार ये गोश्त निकाल लिए, पूरा पानी अच्छे से सुखा लिए। ये पानी पूरा सूखने के बाद एक कढ़ाई रख दिए, कितनी आँच के बाद पानी, इसको तेल ज़्यादा लगता अचार को। ये मेरी रेसिपी बहुत आसान है, आप भी देखिए, आप बनाइए। मैं आप लोगों को खास करके ये रेसिपी दिखा रही हूँ। तेल गरम नहीं हुआ, इसको तेल को अच्छा गरम होने देने का। ये तेल गरम हो गया, देख रहे हैं सब तेल गरम हो गया। इसमें हम थोड़ी सी दालचीनी की 2-3 स्लाइस डालेंगे और ये 8-10 लौंग डालेंगे, थोड़ा सा शाह जीरा डालेंगे, इसको हिला लेंगे ज़रा। फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, गोश्त को हमको इसमें अच्छे से तलना है, इसे अच्छा फ्राई कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है गोश्त में, ये हरी मिर्ची पूरी इसमें पूरा हो जाती है। यह हरी मिर्ची का अचार देखिए। अब इसमें अभी मसाला ऐड नहीं करने का, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। गोश्त को हम अच्छा सा कड़क होने देंगे। ये मेरी आसान रेसिपी है, आप भी देखिए, इसे आसान है बनाना और आप भी बनाइए। मैं लाल मिर्ची का भी अचार बनाई, मेरे चैनल में देखिए वो भी। अब ये हरी मिर्ची का अचार बना रही हूँ, बहुत अच्छा बनता। मिर्ची अपने हिसाब से डालना, अगर आपको तेज़ लगता ज़्यादा मिर्ची डालना, हमको तेज़ नहीं होना, अब मिर्ची कम डालें। अब ये हमारा गोश्त लाल हो गया, मिर्ची का कलर पूरा बदल गया हरी मिर्ची का। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन, इसमें ये जीरा पाउडर, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है इसमें। मैंने आप लोगों को बताई ये सब मसालों का पाउडर,
और मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, एक चम्मच, ज़्यादा नहीं। ये तेल में पूरा गोश्त तले गया, ये अचार बहुत मस्त बनता है। और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और ये इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये नींबू का रस, 8-10 नींबू का रस हमने निकाले थे, ये इसे पकने देंगे। नींबू का रस का पानी हो गया, ये पानी सूखने के बाद, सूखने तक इसे हिलाना, बहुत टेस्टी अचार है ये। देख रहे ना आप लोग, मिर्ची पूरी गल गई, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची इसमें हमने नहीं ऐड करे। इतने आसानी से बन गया अचार, अब इसे हिलाते रहना है। देखिए अब मेरा अचार बन गया, बहुत अच्छे से बन गया, पूरा पानी उसका नींबू का सूख गया। चैनल में जाके देखिए, लाल मिर्ची का भी अचार या हरी मिर्ची का अचार है, पूरा गोश्त तले गया और मिर्ची पूरी इसमें मिल गई, ये अच्छे से बन गया। अब इसमें इतना तेल होना ज़रूरी है, इसे अपन महीना भर भी रख के खा सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही, आप भी बनाइए, आप भी ट्राई करके देखिए। देखिए अचार ये बन गया, बन के रेडी हो गया, मैंने प्लेटिंग भी कर दी। अब ये कितने भी दिन इसको रख सकते हैं आप लोग, रख के खा सकते, ये मसाला ज़्यादा नहीं है, अचार नींबू का खट्टा है।